ओमिक्रॉन फिर लगाएगा लॉकडाउन। ओमिक्रॉन ने फिर बढ़ाई महाराष्ट्र की चिंता। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को किया अलर्ट। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते रूप ने तबाही की शुरुआत कर दी है। एक बार फिर ओमिक्रॉन का संक्रमण डराने लगा है। जहां महाराष्ट्र सरकार लगातार पाबंदियां लगाने से बच रही है ताकि एक बार फिर लोगों को लॉकडाउन की मार ना झेलनी पड़े, तो वहीं एक बार फिर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर सचेत किया है। लॉकडाउन के खतरे की घंटी एक बार फिर बजा दी है। देश और दुनिया के एक्सपर्ट्स ये मांग कर चल रहे हैं कि जनवरी और फरवरी के महीने में ओमिक्रॉन के मामले पीक पर पहुंच जाएंगे। फिलहाल हालत ये है कि देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं और नए वेरिएंट के मरीज बढ़ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू लॉकडाउन के साथ क्या मॉल, शादी, पार्टियां पर ताला लगने वाला है? इसकी आशंकाएं ओमिक्रॉन के मामले के साथ ही बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप डेल्टा की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक संक्रामक है। ऐसे में वॉर रूम सक्रिय करने के साथ ही जिला और स्थानीय स्तर पर सख्त एवं त्वरिता रोकथाम कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने टेस्ट और निगरानी बढ़ाने के अलावा नाइट कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं को रोकने, शादियों और अंतिम संस्कार कार्यक्रम में लोगों की संख्या कम करने, ऑफिसों में लोगों की संख्या कम करने जैसे रणनीतिक निर्णय को लागू करने की सलाह दी है। वैक्सीन पर जोर डालने को कहा गया है। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकारें इस पर कितना अमल करती है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर की रिपोर्ट।